रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक प्रताप मल का शासन काल रहा है 1198 ईस्वी से लेकर 1222 ईस्वी तक। लेकिन 1222 ईस्वी के बाद रतनपुर के कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए 1222 ईस्वी से लेकर 1480 ईस्वी तक, जिसमें रतनपुर के कलचुरी वंश के शासकों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए से कहा जाता है अंधकार युग। और फिर से 1480 ईस्वी से शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। और अंधकार युग के बाद सबसे पहले बारेंद्र साय के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रताप मल के बाद रतनपुर के कलचुरी वंश के शासकों का इतिहास में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए 1222 ईस्वी से लेकर 1222 ईस्वी से लेकर 1480 ईस्वी तक के कलचुरी वंश के कालक्रम को कहा जाता है अंधकार युग। अंधकार युग, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है अंधकार युग। 1222 ईस्वी से लेकर 1480 ईस्वी तक इतिहास में हमें कलचुरी वंश के शासकों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए से कहा जाता है अंधकार युग। और अंधकार युग के बाद सबसे पहले जिस शासक का उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो है बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय, बहरेंद्र साय का शासन काल रहा है 1480 से लेकर 1525 तक, 1480 से लेकर 1525 तक। और अंधकार युग के जस्ट पहले हुए है प्रताप मल। अंधकार युग के जस्ट पहले हुए है प्रताप मल। अंधकार युग के जस्ट पहले हुए है प्रताप मल, शासक प्रताप मल। प्रताप मल का शासन काल रहा है 1198 ईस्वी से लेकर 1222 तक। और इसके बाद 1222 से लेकर 1480 तक रतनपुर कलचुरी वंश का कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इस कालक्रम को कहा जाता है रतनपुर कलचुरी वंश का अंधकार युग। तो आगे हम अंधकार युग के बाद अगला डिस्कस करने जा रहे हैं बहरेंद्र साय, ध्यान दीजिएगा, बहरेंद्र साय। लेकिन बहरेंद्र साय ने अपनी राजधानी बनाया था छुरी कोस गई, कोरबा जिले के छुरी में स्थित है कोस गई, अर्थात छुरी कोस गई को, यह आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा। यह है कोरबा जिला, यह है कोरबा जिला, कोरबा जिले में यह पकड़ना है छुरी कोस गई, छुरी कोस गई, छुरी कोस गई, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है छुरी कोस गई। यहां पर पकड़ना है चैतुरगढ़, लाफागढ़ में स्थित है चैतुरगढ़, जहां पर है चैतुरगढ़ का किला या लाफागढ़ का किला, चैतुरगढ़ का किला या लाफागढ़ का किला, ध्यान दीजिएगा। छुरी कोस गई, चैतुरगढ़, लाफागढ़, जहां पर स्थित है चैतुरगढ़ का किला तथा लाफागढ़ का किला। और यह पकड़ना है रतनपुर। तो बहरेंद्र साय से संबंधित प्रमुख स्थल है छुरी कोस गई, लाफागढ़ के अंतर्गत स्थित चैतुरगढ़, अर्थात चैतुरगढ़ लाफागढ़ तथा रतनपुर। तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंधकार युग के बाद पहले शासक बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय, बहरेंद्र साय का शासन काल रहा है 1480 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक, 1480 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक। बहरेंद्र साय की राजधानी रही है छुरी कोस गई, बहरेंद्र साय की राजधानी रही है छुरी कोस गई, ध्यान दीजिएगा, बहरेंद्र साय की राजधानी रही है
छुरी कोस गई। बारेंद्र साय का शासन काल रहा है 1480 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक। 1480 ईस्वी से लेकर 1525 ईस्वी तक बारेंद्र साय ने अपनी राजधानी स्थापित किया था छुरी कोस गई को। अर्थात इस प्रकार से रतनपुर कचरी वंश की तीसरी राजधानी बनती है छुरी कोस गई। बारेंद्र साय ने अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी की स्थापना किया था, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था छुरी कोस गई को। छुरी कोस गई को कोरबा जिले के छुरी के अंतर्गत पड़ता है, कोस गई अर्थात छुरी कोस गई को बारेंद्र साय ने अपनी राजधानी बनाया था छुरी कोस गई को। बारेंद्र साय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, बारेंद्र साय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें बारेंद्र साय का उल्लेख प्राप्त होता है। एक है आपका रतनपुर शिलालेख, रतनपुर शिलालेख, और दूसरा है आपका छुरी कोस गई शिलालेख, छुरी कोस गई शिलालेख, रतनपुर शिलालेख तथा छुरी कोस गई शिलालेख, रतनपुर शिलालेख तथा छुरी कोस गई शिलालेख, छुरी कोस गई शिलालेख। ध्यान दीजिएगा, बारेंद्र साय के दो शिलालेख प्राप्त होते हैं, एक है आपका रतनपुर शिलालेख, दूसरा है आपका छुरी कोस गई शिलालेख। बारेंद्र साय के शिलालेख प्राप्त हमें होते हैं हमें छुरी कोस गई शिलालेख तथा रतनपुर शिलालेख, छुरी कोस गई शिलालेख तथा रतनपुर शिलालेख, बारेंद्र साय के शिलालेख, बारेंद्र साय के शिलालेख, बारेंद्र साय के दो शिलालेख प्राप्त होते हमें, बारेंद्र साय के दो शिलालेख प्राप्त होते हमें रतनपुर शिलालेख तथा छुरी कोस गई शिलालेख। छुरी कोस गई शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि छुरी कोस गई में बारेंद्र साय ने कोषागार की स्थापना किया था। अर्थात इस प्रकार से कोषागार व्यवस्था के संस्थापक वे हैं बारेंद्र साय। बारेंद्र साय ने कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया था छुरी कोस गई में, और कोषागार व्यवस्था के तहत उन्होंने छुरी कोस गई में कोषागार का निर्माण किया था, ट्रेजरी का निर्माण किया था, जहां पर राजकीय धन संपत्ति को एकत्रित किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, बारेंद्र साय के छुरी कोस गई शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बारेंद्र साय ने छुरी कोस गई में कोषागार व्यवस्था का, कोषागार व्यवस्था का प्रारंभ किया था, और कोषागार व्यवस्था के तहत छुरी कोस गई में बनाया गया था कोषागार, जहां पर राजकीय धन संपत्ति तथा टैक्स या अन्य धन दौलत को एकत्रित किया जाता था, कोषागार। तो इस प्रकार से बारेंद्र साय के छुरी कोस गई शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बारेंद्र साय ने छुरी कोस गई में कोषागार व्यवस्था प्रारंभ किया, और इसके तहत छुरी कोस गई में कोषागार का, ट्रेजरी का निर्माण करवाया, जहां पर राजकीय धन संपत्ति को एकत्रित किया जाता था। यहीं पर हमें छुरी कोस गई शिलालेख से ही प्राप्त होता है कि छुरी कोस गई में बारेंद्र साय ने माता का मंदिर निर्माण किया गया, जिसे कहा जाता है कोसगई माता का मंदिर। अर्थात छुरी कोस गई शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि छुरी कोस गई में बारेंद्र साय के द्वारा कोसगई माता मंदिर का निर्माण किया गया, कोसगई माता मंदिर का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा, कोसगई माता का मंदिर, कोसगई माता का मंदिर निर्माण किया गया, और छुरी कोसगई शिलालेख से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बारेंद्र साय ने छुरी कोसगई में कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिसके तहत इन्होंने कोषागार की स्थापना किया था। इन बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है
छुरी कोसगई शिला लेख से, इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है। छुरी कोसगई शिला लेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बारेंद्र साय ने छुरी कोसगई में कोसगई माता मंदिर का निर्माण करवाया तथा कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिसके तहत इन्होंने छुरी कोसगई में कोषागार की स्थापना किया। आगे है, यह आपका है लाफागढ़। लाफागढ़ के अंतर्गत है चैतुरगढ़। लाफागढ़ या चैतुरगढ़ में स्थित है चैतुरगढ़ का किला या इसे ही कहा जाता है लाफागढ़ का किला, जिसके निर्माता है बारेंद्र साय के द्वारा लाफागढ़ के किले की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, बारेंद्र साय का शासन काल रहा है 1480 से लेकर 1525 ईस्वी तक, और इनकी राजधानी रही है, इन्होंने एक नई राजधानी बनाया था जो कलचुरी कालीन तीसरी राजधानी कहलाती है, छुरी कोस गई। इनके दो प्रमुख शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, रतनपुर शिलालेख तथा छुरी कोस गई शिलालेख। छुरी कोस गई शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बारेंद्र साय ने छुरी कोसगई में कोसगई माता मंदिर का निर्माण करवाया तथा कोषागार व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिसके तहत कोषागार की स्थापना की गई। हमें रतनपुर शिलालेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि बारेंद्र साय ने चैतुरगढ़ का किला या लाफागढ़ की किला कोरबा में स्थापित किया। कोरबा जिले में के अंतर्गत आता है चैतुरगढ़ या लाफागढ़ के अंतर्गत चैतुरगढ़, जहां पर स्थित है चैतुरगढ़ का किला या लाफागढ़ का किला। ध्यान दीजिएगा, चैतुरगढ़ का किला या लाफागढ़ का किला। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बारेंद्र साय से संबंधित युद्ध। ध्यान दीजिएगा, बारेंद्र साय से संबंधित युद्ध को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बारेंद्र साय से संबंधित युद्ध, बारेंद्र साय से संबंधित युद्ध मध्य प्रदेश में स्थित है मांडू के शासक थे महमूद खिलजी। मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी ने बारेंद्र साय के साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन बारेंद्र साय की सेना ने महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी के दूसरे तरफ तक खदेड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, बारेंद्र साय से संबंधित प्रमुख युद्ध को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह हमारा देश भारत, ये है हमारा देश भारत, ये आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहां पर पकड़ना है मांडू, यह है मांडू।
और मांडू के शासक थे, मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी। ध्यान दीजिएगा, मांडू के पठान या मुस्लिम शासक थे, मांडू के मुस्लिम या पठान शासक थे महमूद खिलजी। मांडू के मुस्लिम या पठान शासक थे महमूद खिलजी, और यहां पर छुरी कोस गई तथा रतनपुर पर साम्राज्य था बारेंद्र साय का। यह है छुरी कोस गई, छत्तीसगढ़ में छुरी कोस गई, यह है छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के अंतर्गत छुरी कोस गई। जबकि यह है रतनपुर छुरी कोस गई में साम्राज्य था बारेंद्र साय का। यह आपका है रतनपुर, यहां पर शासक थे बारेंद्र साय। बारेंद्र साय का शासन काल रहा है 1480 से लेकर 1525 तक। रतनपुर तथा छुरी कोस गई में साम्राज्य था बारेंद्र साय का। बारेंद्र साय के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी। तो इस प्रकार से कलचुरी वंश पर पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला पठान आक्रमण करने वाले शासक होते हैं महमूद खिलजी। कलचुरी वंश पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले शासक होते हैं महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने पहला मुस्लिम आक्रमण किया था छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमण महमूद खिलजी के द्वारा किया गया है छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले शासक है मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी, और इस समय शासक थे बारेंद्र साय। तो इस प्रकार से बारेंद्र साय वर्सेस युद्ध होता है महमूद खिलजी, लेकिन इस युद्ध में जीतते हैं बारेंद्र साय, और बारेंद्र साय महमूद खिलजी के सेना को सोन नदी के दूसरे तरफ, यह है सोन नदी, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है सोन नदी, यहां पर यह है सोन नदी जो पाटलिपुत्र पटना सोनपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, यह है सोन नदी। बारेंद्र साय की सेना ने महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से इस युद्ध में विजेता होते हैं बारेंद्र साय। महमूद खिलजी की सेना ने मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी ने बारेंद्र साय के साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन बारेंद्र साय ने महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ दिया। बारेंद्र साय की सेना ने महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, तो यह है बारेंद्र साय से संबंधित प्रमुख युद्ध। ध्यान दीजिएगा, मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी का छत्तीसगढ़ पर आक्रमण होता है, और इस समय रतनपुर छुरी कोस गई के शासक है बारेंद्र साय। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है महमूद खिलजी के द्वारा। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला
मुस्लिम या पठान शासक होता है, मांडू का मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने बहरेंद्र शाह के साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन बहरेंद्र शाह की सेना ने महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ दिया। तो यह है बहरेंद्र शाह वर्सेस महमूद खिलजी का युद्ध। बहरेंद्र शाह की सेना ने महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ दिया और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था महमूद खिलजी ने।